और आज करने वाले खतरनाक वाला वर्कआउट। बॉयज आर रेडी बट मेनली आज का फोकस होने वाला है रिक्की पे। कई सारे लोग समझ लगे कि मैं फ्लैम बॉय हूँ और मेरे को ऐसे मैं मतलब ऐसे बता रहे कि अरे फ्लैम बॉय तो काफी बड़ा दिख रहा है और क्या अपना शहर अपनी जिम। मैंने कल कहा था गाइस कि यार वर्कआउट करना है कल तो जिम बंद है। उन्होंने कहा रुकना देखते हैं अभी पिछले एक महीने में कोई कांड सुना तो अभी आ जाएंगे तीन चार। नहीं अभी मैं कोई कांड नहीं किया। क्या ये वीडियो तो आजकल घर वाले भी देखने लगे हैं क्या? रिक्की को ट्रेनिंग कराने आया था मेरी ट्रेनिंग होगा। सर एक बार लाना चेस्ट। चलो उठो रिक्की जल्दी वहां से हटो। अरे अभी तो आए अभी चलना है जिम। चलना चल उठ। मैं तो रेडी हूँ। ये कौन सा रेडी होता है? रेडी हूँ। दो मिनट तो दे यार। अभी तो आया। ओए नहीं, ओए। बता शैडो की तरफ कौन है तू? रिवाइव करो भाई से। हे गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आज जैसा कि लास्ट डे ग्वालियर में और आज करने वाले खतरनाक वाला वर्कआउट वहाँ पे, क्योंकि इसका लास्ट डे है और वर्कआउट लास्ट डे तो ऐसे बोल रहा हूँ मरने वाला हूँ साले, क्योंकि वर्कआउट होता भी नहीं अकेले ही करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आज खतरनाक ही वर्कआउट करते हैं। चलो ठीक है, इसने बोला है कि आज तोड़ दियो मेरे को, देखते हैं कितना टूटना पसंद करता है जिम में आज ये। मतलब वर्कआउट करके तोड़ना, वैसे कुछ पैक पाक के मारने वाला नहीं बोला मैंने। देवे को भी बोल देता हूँ ना और डैड को भी बोल देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि आज हमारा जिम वैसे खुला नहीं था, बट अपने शहर में अपनी जिम का फ़ायदा यही है कि हम रक्षाबंधन वाले दिन भी खुलवा पा रहे हैं। हेलो हेलो, खुल गया है जिम है ना, बोल दिया मैंने तो आ जा। कितनी देर से आ रहा है बताओ? कितनी देर से? आधे घंटे में आ जाओ। मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मैं निकल गया हूँ घर से। चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। आ जा फटाफट आ जाए ना, और प्री वर्कआउट डाल रही हो मेरा यार, उधर ही मुंबई रह गया है। हाँ कोई नहीं, मैंने बोल दिया है और बॉयज आर रेडी बट मेनली आज का फोकस होने वाला है रिक्की पे। अभी रिक्की तूने ये भूल गया कि कार्ड? नहीं नहीं वही है, वो अभी निकाला था ना कार्ड डिटेल से। मतलब ठीक है ध्यान से रख ली उसको, क्योंकि ये चली जाएगी गाड़ी मुंबई, पता चला सारे कार्ड मेरे लेके जा रहे हैं क्या? अभी अभी नहीं लेके जा रहा, तीन को बोल दिया मैंने, तीन 2 तारीख को शायद निकलेंगे यहाँ से। वो अभी आज ड्राइवर आ रहा है वहाँ पर बात करने के लिए कि जो लेकर जाएगा ना गाड़ी, तो उससे बात हुई है, वो जैसा वो बताएगा 2 तारीख को शायद निकलेगा, तो 3 को जब तक मैं पहुँचूँगा ना वहाँ पे तब तक वो भी पहुँच जाएगा। ये मैंने ना कृष्णा से मिला तो फिर मैंने ना वो सेल्फी डाल दी अकाउंट पर अपने, तो कई सारे पेजेस ने उसको रीपोस्ट कर दिया, कृष्णा के पेजेस ने या जो भी पेजेस, तो कई उन लोगों को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो मेरे को इतना तो नहीं पता कृष्णा के बारे में, फ्लैम बॉय है मेरे ख्याल से कोई, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली बिल्कुल भी। तो कई सारे लोग समझ लगे कि मैं फ्लैम बॉय हूँ और मेरे को ऐसे मैं मतलब ऐसे बता रहे कि अरे फ्लैम बॉय तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है कृष्णा के सामने। फिर कई लोग मेंशन कर रहे अरे ये यश है, तो उन लोगों को नहीं पता था ऑब्वियसली, वो म्यूजिक कम्युनिटी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी वालों को नहीं जानती होगी। फूलों की लाशों में ताज भी चाहता है। ये होते हैं अपनी जिम के फायदे। पूरी जिम खाली पड़ी है, हाँ जिम खुल गई तो होनी चाहिए और क्या, अपना शहर अपनी जिम। मैंने कल कहा था गाइस कि यार वर्कआउट करना है कल तो जिम बंद है। उन्होंने कहा रुकना देखते हैं अभी। और यहाँ गाइस अपनी जिम है गाइस। अब कोई गंदी सी बात सुना दो, लोग बहुत वेट कर रहे हैं, 1 महीने से उन्हें कुछ सुनने को नहीं मिला आपके मुंह से। गाइस टट्टी खा लो गाइस, इससे गंदा कुछ हो सकता है? नहीं कुछ और गंदा। देख बहुत गंदा गंदा आ रहा है, और गंदा और गंदा और गंदा। अभी नहीं याद आ रहा यार, आएगा मैं जरूर तेरे को बता दूंगा। अरविंद भाई से पूछ लूं क्या आपकी कोई स्टोरी है, वे सुना देंगे। मैं बोल रहा हूँ कैमरा नीचे फेंकना पड़ेगा। पीछे पिछले 1 महीने में कोई कांड सुना तो अभी आ जाएंगे तीन चार। नहीं अभी मैं कोई कांड नहीं किया। ये तो ऑन कैमरा। क्या ये वीडियो तो आजकल घर वाले भी देखने लगे हैं क्या? कांड लगते हैं नहीं नहीं मैंने किया, जैसे पकड़े गए हैं मना कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं अभी? चेस्ट और कैसे ट्रेन करने वाले हैं आज? कुछ अलग तरीके से कुछ की? हाँ कुछ अलग तरीके हैं, ठीक है। आज चेस्ट जो है वो स्मिथ मशीन पे करेंगे। हाँ इंक्लाइन से चालू करेंगे बिल्कुल, और स्मिथ से चालू करेंगे। स्मिथ का एक नया फंडा है, ठीक है, यूज करने का। वो जब यूज करेंगे तब तेरे लोग देख पाएंगे और उन्हें मजा आएगा। ठीक है, रेडी है? बता देता हूँ
पेट बहुत जरा जरा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूर देंगे बट बहुत ज्यादा नहीं। हाँ मतलब जैसे 20 की है ऐसे ही हम 18 करेंगे, ऐसे ही हम 16 करेंगे, इस तरीके से चलेंगे। ज्यादा जाना ज्यादा चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बट 20 मेरे को सही रहता है। तो इस टाइम पे चेस्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, टेंशन नहीं जाती ना, यहाँ पे फोकस रखना है। नहीं सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है अभी भी, कॉन्ट्रैक्ट कर उसको अच्छे से। हाँ ये आवाज है, चल कम ऑन। इसने ना प्री इतने दिनों बाद लिया है ना सर का। कैसा था फर्स्ट सेट? अरे बहुत तगड़ा था। ये ट्रेनिंग मिस कर रहा होता हूँ मैं। Come on. And last. Lightweight. Yep. तीस रैप मार दिए भाई। पहला हमें रेंज ऑफ मोशन पूरा तकरीबन इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मतलब दोनों को क्लैप नहीं करना है, राइट, इतना बचा के रखना है। यस, हर बार हमें बचा के रखना है, मेनली फेशियल के लिए कर रहे हैं, सब फेशियल, करेक्ट करेक्ट। दूसरा इसी में ही जो अपन ने वहाँ किया था बारबल के साथ वही है, सिर्फ और सिर्फ जब एसेंट्रिक यानी जब हम पूरी तरह से एक्सटेंशन वाले मोड पे होंगे, 2 सेकंड का होल्ड लेंगे और फिर वापस आएंगे, तब हमें क्लैप जरूर करना है और पूरी तरह से कोशिश करनी है कि दोनों साथ में। रिक्की को ट्रेनिंग कराने आया था, मेरी ट्रेनिंग हो गई। रिक्की की भी ट्रेनिंग हो रही है, चल रही है। छोड़ो ना, अपन बातें करते हैं, क्या करेंगे वर्कआउट करके, बातें करते हैं ना अपन तो। ओनली वे 15 मिनट्स। सर एक बार लाना चेस्ट। मैं कुछ और ला दूं। ऑडियंस पे किस देते? नहीं भाई, जो एक्सपेरिमेंट लगाया ना तूने, तब दे देते। क्या है एक्सपेरिमेंट? लगा गया था एक तो, बहुत लग गया। रिवल एक्सपेरिमेंट लगा के जब वर्कआउट किया अच्छा रहता है। मैंने इसको बोला था 23 सितंबर भंडारा है। भंडारा है पर भाई तेरे को बोला तो था कि 23 सितंबर भंडारा तू थोड़ा और रुक जाता तो। मैं कंपटीशन चलो ना यूएस में, वहीं से जीत के भंडारा कराएंगे, वहां पूरी सब्जी बांट देंगे भाई। सारे काब्स लोग पूरी सब्जी का कर रहा है। मॉर्निंग पूरी सब्जी। आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, आगे मेरी बॉडी बन गई प्रभु। बॉडी का भाई सरी बनवा पाएंगे? तो इतनी करता है सर, इसमें पता नहीं इतनी बातें करता है अगर इसको मैं ढाई के डंबल से भी ना रुला दिया तो मेरा नाम अरविंद सिंह गुर्जर नहीं। कौन से ढाई के डंबल की बात कर रहे हो?
ढाई के हैंडल लिया फार्म हाउस भी ढाई का डंबल पांच सात पे नहीं गए ढाई पे बस बाल बड़े कर ढाई रहेगा पर वे ढाई किलो रहेगा बस अब वो काय का वो नहीं पता भाई कुछ नहीं वो क्या होता है वो गाँव में ऐसे खड़ा रहता है स्कैर करो ढाई की डम्बल पकड़ा है कर देंगे मेरे को बुरी वाली बात करवा देंगे और क्या रियलिटी चेक यासिन पंडित कैसा रहा वर्कआउट तगड़ा काफ़ी एनर्जी लॉस हो गई मेरी तो तगड़ा वर्कआउट रहा अभी मील लेने के बाद में यहाँ गाड़ी से कुछ कुछ सामान निकालना और उसको रेडी रखना है जाने के लिए मेरे जो पेपर्स हैं वो अंदर घर में रखे हुए हैं हाँ भाई वो पेपर्स निकाल के गाड़ी में रखने होंगे क्योंकि जो भी ड्राइवर होगा वो लेकर जाएगा सारी सारी चीज़ें कल सुबह तो मैं चला जाऊँगा सोच रहा हूँ इसे घुमा लूँ शैडो घूमने चलना है घूमने चलना है क्या शैडो पहले बताओ पहले ये सुन लो मैं नहीं बता रहा था यानी जो पुराने ओजी व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है कि मैं एवरीडे शैडो घुमाने के लिए जाता था जब रात में तो कितनी सारी बातें किया करता था बट अभी इतना मौका नहीं मिल पाता है फ्रीक्वेंटली नहीं घुमा पाता हूँ क्योंकि बाहर रहता हूँ तो इस चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं जब भी यहाँ पे ग्वालियर में आता हूँ ना तो हमेशा ऐसे इस मौके को नहीं छोड़ता शैडो घुमाने के क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा सा लगता है क्योंकि पहले मैं एवरीडे घुमाता था व्लॉग करता था अभी ये सही चीज़ है कि आई एम ग्लैड मैंने ना बघीरा को घर पर लेकर आया जिस वजह से क्या होता है कि इन दोनों का मन लगा रहता तो मैं बाहर भी रहता हूँ ना तो ऑब्वियसली इसको कमी तो महसूस होती होगी बट ऐसा नहीं होता होगा कि बिल्कुल ही बैठा ही हुआ है ये मम्मी पापा रिक्की दादी वगैरह सबके साथ मन लगा ही रहता होगा ये इतने अच्छे मेरे स्लीपर्स हुआ कर देते बघीरा ने एक साइड के खा गया इसको थोड़ा पहले आगे कर देता हूँ फिर पीछे डिग्गी से भी निकालना है कुछ कुछ ठीक है काम आता है नहीं आता तो घर पर रख दियो मेरे हाथ चाबी निकाल ली रही जाने दे शीशा बंद कर दे तो अभी ये इतना सारा सामान निकला जो गाड़ी में रखा हुआ था निकाल दिया अभी और गाड़ी के कागज जब ये एसी सही हुआ था इसका बीच में अरे चश्मा नहीं उठाया ना नहीं उठाया निकाल बीच में कुछ एसी का इशू आ गया था जिस वजह से गाड़ी खुली थी तो पूरी खुलने के बाद में पूरा क्लीनिंग हो गई काफ़ी सारे पार्ट्स न्यू फिट हुए थे तो तब पूरा सामान निकालना था तो गाड़ी के कागज़ वगैरह भी निकालने पड़े थे क्योंकि शायद आगे से पूरा वो जो स्टीरियो होता है सब कुछ होता है वो निकालना पड़ता है तो वो उस टाइम पे ना सारे कागज़ निकाल के घर पे रख लेते तो वो भी ढूंढने पड़े सब कुछ पर वो मिल गए इजीली सही रहा वरना क्या होता है कागज़ अगर गुम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अब अंदर जाके पैकिंग करेंगे पैकिंग करने के बाद कल निकलते हैं वैसे कल मुंबई नहीं जा रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ फिर सरप्राइज़ वीडियो आएगा आपके लिए रिक्की से भी आज काफ़ी मेहनत करवा ली वर्कआउट में भी और सफाई में भी तो गाइस मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो गाइस आज के लिए बस इतना ही आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज़ व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल पीस और एक बात बोलना भूल गया कि कोई भी अगर पॉजिटिव चेंज करते हो आप अपनी लाइफ में अच्छे जाने के लिए तो वो स्टार्टिंग में पॉजिटिव नहीं लगता काफ़ी हार्ड लगता है और हसलिंग सा लगता है और कोई भी पॉजिटिव शुरुआत कभी भी ईजी नहीं होती और ना ही ईजी दिखती है ना ही उसमें रिजल्ट दिखते हैं बट धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को अपनी पॉजिटिव शुरुआत से डिसिप्लिन रह के अच्छा कर सकते हो।